हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, कि जब हम किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ते हैं तो उसे हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है, तो कुछ एडवांटेज तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि जैसे कंप्यूटर अगर नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें कम्युनिकेशन, इजी कम्युनिकेशन हो जाता है, इजी कम्युनिकेशन एंड स्पीड। मतलब कि कंप्यूटर अगर आपस में नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो उसमें आपस में कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो जाता है डिफरेंट कंप्यूटर्स का, एंड पीपल कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली यूजिंग ए नेटवर्क विद ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब मान लीजिए कि से एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर इस तरह जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर मतलब कई लोग इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या रहता है कि उनको आपस में कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक जो है इंफॉर्मेशन सबको एक साथ पास करनी है, तो आप उसको कंप्यूटर नेटवर्क पर डाल देंगे तो वो इंफॉर्मेशन सबको मिल जाएगी। तो एक तो कम्युनिकेशन भी इजी हो जाता है, और दूसरा क्या है कि स्पीड की, कम्युनिकेशन की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। जैसे अगर हम कुछ लोग फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग ईमेल्स यूज़ करते हैं, ईमेल्स या इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब कि वो आपस में, वो सारे लोग जो है आपस में नेटवर्क से जुड़े हों। और हम लोग बात करें तो जैसे टेलीफोनी हो गया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, तो ये सब तभी संभव है जबकि ऑल दोज पीपल्स आर कनेक्टेड विद ए कंप्यूटर नेटवर्क। और उसके अलावा अब तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जैसे चैट रूम हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क के। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े होने से ये फ़ायदा होता है कि कम्युनिकेशन ईजी भी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है, स्पीड भी बेटर हो जाती है। सेकेंड क्या है इसका, इट्स एबिलिटी टू शेयर फाइल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन की एबिलिटी टू शेयर। मतलब इसमें यह फायदा रहता है कि मान लीजिए किसी, जैसे इस कंप्यूटर पर अगर कुछ फाइलें हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करना है इस कंप्यूटर को, तो वो इस नेटवर्किंग के थ्रू ही इसके पास जो फाइलें स्टोर हैं उनको वो ये यूज़ कर सकता है। और केवल फाइल ही नहीं, कोई भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फाइल है, उनकी शेयरिंग हो सकती है ऑल अराउंड द नेटवर्क। तो सेकंड एडवांटेज तो इसका ये हो गया। थर्ड जो एडवांटेज की बात है वो है शेयरिंग हार्डवेयर, ठीक है। शेयरिंग हार्डवेयर में क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए इतने लोग आपस में कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं, और हमारे पास अगर से सपोज़ कीजिए हमने क्या किया, कंप्यूटर से एक प्रिंटर जोड़ दिया, ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो इस एक प्रिंटर को ये सारे यूज़र चाहिए 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 ये सारे यूज़र एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। या मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज़ कीजिए इसको हमने एक स्कैनर से जोड़ दिया, ठीक है, और स्कैनर को हमने इस नेटवर्क में जोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि ये सारे यूज़र, जितने भी यूज़र हैं नेटवर्क के अंदर, वो इन हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर नेटवर्क में ना होते तो क्या होता कि हर एक यूज़र के लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती, और नेटवर्क में यूज़ करने से ये हुआ कि हार्डवेयर की भी शेयरिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो हम सब लोग आज के डेट में सब लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं इंटरनेट, उसके बाद इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। देखिए ये तीनों भी एग्जाम्पल हैं किसके,
कंप्यूटर नेटवर्क के। तो अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट देखिए आज के समय में हम लोग सब लोग यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज़ ए वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो पहली चीज़ तो ये है कि ये, अब इसमें हमने कहा कि से सपोज कीजिए इंटरनेट की हम लोग बात करें तो मान लीजिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, सपोज कीजिए एक कंट्री में कई कंप्यूटर आपस में जो है नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं किसी कंट्री में, ठीक। दूसरी कंट्री में यहाँ पे ये कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग में जुड़े हुए हैं, क्लियर। फिर ऐसे ही हमने कहा कि किसी और कंट्री में यहाँ पे ये कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और ये सारे कंप्यूटर जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जुड़े हुए हैं ये आपस में इंटरनेट के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी इसको बोलते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाइड जो है, मान लीजिए से ये यूज़र, कोई ये यूज़र है, ये किसी दूसरे कंट्रीज़ में इस यूज़र से इंटरेक्ट करना चाह रहा है तो वो इस आईपी के थ्रू जो है इससे कनेक्ट हो सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो कंप्यूटर नेटवर्क का ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेट तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, कि जो www होता है जिसको हमें मालूम है कि ये क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये अलग चीज़ होती है और इंटरनेट अलग चीज़ होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क लिंक्ड बाई कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शंस एट्सेट्रा। मतलब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटरकनेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, जो कि आपस में या तो कॉपर वायर लिंक से जुड़े होते हैं या मतलब कॉपर लिंक से, कॉपर वायर लिंक से जुड़े होते हैं, ये तीनों, जैसे ये हमने कहा ग्रुप नेटवर्क वन, ग्रुप ऑफ नेटवर्क टू और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर थ्री, तो ये आपस में या तो कॉपर वायर लिंक से जुड़े होंगे या वायरलेस लिंक से जुड़े होंगे, वायरलेस लिंक, या ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े, ऑप्टिक फाइबर केबल से जुड़े होंगे, ठीक। तो ये चीज़ तो कहलाती है इंटरनेट। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड वेब की बात है, ठीक है, वेब इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज लिंक्ड बाई हाइपरलिंक एंड URL। तो जो www है आपका, जो वेब है, ठीक है, देखिए जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? ये कनेक्शन नहीं है, ये कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। और ये आपस में जो, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये अदर रिसोर्सेज हैं, ये आपस में लिंक रहते हैं हाइपर लिंक से, हाइपर लिंक से और URL से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंटरनेट में और www में। तो इसको दूसरे ढंग से आप ये कह सकते हैं कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट अलोंग विद वेरियस अदर इंक्लूडिंग ईमेल, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग एट्सेट्रा। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी एक सर्विस है ईमेल या ऑनलाइन गेमिंग की तरह से, ऑनलाइन
गेमिंग की तरफ से जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनेट में और WWW में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप आ जाइए सेकेंड टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क पे, इंटरनेट की तरह ही होता है लेकिन दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेंड विद इन एन इंटरप्राइज। मतलब किसी कंपनी का, कोई मान लीजिए बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, स्मॉल साइज कंपनी है, तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल से, जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं आप, है ना, तो आप कहीं पे भी बैठ के कहीं के लिए टिकट करा सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के कहीं से लिया हुआ आप टिकट कैंसिल करा सकते हैं। तो वो किसके थ्रू है? वो इंटरनेट नहीं है, वो रेलवे का अपना, विद इन रेलवे एक नेटवर्क है एंड दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट। ठीक है, तो जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है उस इंटरप्राइज का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, और कोई बाहरी यूजर उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ एन इंट्रानेट इज टू शेयर कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अमॉन्ग एम्प्लाइज। तो ये जो इंट्रानेट होता है ये विद इन कंपनी होता है, कंपनी की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और एम्प्लॉयज के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो ये हो गया आपका इंटरनेट और इंट्रानेट। अब तीसरा जो एक होता है वो होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट, देखिए एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एन एक्स्ट्रानेट कैन बी व्यूड एज ए पार्ट ऑफ कंपनीज इंट्रानेट दैट इज एक्सटेंडेड टू यूजर्स आउटसाइड द कंपनी लाइक सप्लायर्स, वेंडर्स, पार्टनर्स, कस्टमर्स और अदर बिजनेस। मतलब अभी जो हमने इंट्रानेट पढ़ा था, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये कंपनी के 6-7 ऑफिस हैं, मान लीजिए ये कंपनी के 7 ऑफिस हैं अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग शहरों में, और ये आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क से। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये कंपनी का ऑफिस है, ये है, ये है, ये एक ही कंपनी के ऑफिस है, तो इनमें आपस में तो डाटा, फाइल्स, इन सब का इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है कि जैसे कंपनी के जो सप्लायर हैं उनको भी इन्होंने एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए सप्लायर 1 है, इसको भी अलाउ किया हुआ है, या एक टर्मिनल दिया हुआ है सप्लायर के लिए, यहाँ पे इन्होंने एक सप्लायर के लिए टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक पार्टनर के लिए टर्मिनल दिया हुआ है। मतलब कि ये जो आउटसाइडर हैं कौन कौन से? सप्लायर, वेंडर, पार्टनर, कस्टमर और अदर बिजनेस, ये भी इस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क है विद इन कंपनी, इसको भी, ये सप्लायर हो गया, ये मान लीजिए आपका, इसको कुछ भी कस्टमर कह लीजिए, इसको पार्टनर कह लीजिए, तो दे कैन ऑल्सो यूज दी। हालांकि ये कंपनी के पार्ट नहीं है, बट कंपनी हैज परमिटेड सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दिस नेटवर्क। तो इस तरह के जो नेटवर्क को बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। ठीक है, तो ये जो तीनों है आपको, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इसका मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर नेटवर्क कितनी यूजफुल चीज़ है और उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।